हम सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी से आए हुए हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और अभी फिलहाल हम तो यहाँ बहुत सारा ट्रेनिंग भी कराए हैं महिला लोगों को, आप लोग का गांव में। और महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर एवं शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में लगातार कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक सह सचिव अमल दास ने निर्देशानुसार आज बोकारो जिला के विभिन्न क्षेत्रों के 6 गरीब लड़कियों, जैसे अंतर्गत चंदन क्यारी प्रखंड के नोड़िया गाँव के मिमकिम अंसारी के पुत्र आयशा प्रवीण, सिलफोर गांव के तपन बावरी के पुत्र सोनिया कुमारी, चास प्रखंड अंतर्गत केंदाड़ी गांव के मिथिलेश चंद्र महतो के पुत्री सीमा कुमारी, बेरमो प्रखंड के बोकारो स्थित गोविंदपुर बस्ती के खुबलाल महतो की पुत्री पूजा कुमारी और जिरिडी प्रखंड के जागासूर गांव के झाबू महतो की पुत्री उमन कुमारी की शादी में सहयोग हेतु संस्था की ओर से 5,000 रुपए का चेक ग्रामीण के उपस्थिति में संस्थापक अमल दास एवं उनके सहयोगी के द्वारा लड़की के माता पिता के हाथों पर चेक सौंपा गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को प्रभारी ने बताया कि संस्था 2019 से चंदन क्यारी के एक सुदूरवर्ती इलाका पोलाकीरी से शुरू करते हुए आज झारखंड के लगभग सभी जिलों के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी संस्था कार्य कर रही है। संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य मिशन परियोजना के तहत हर पंचायत हर एक घर को सर्वे कराकर निशुल्क दवा वितरण करने का काम निरंतर जारी है। इससे हमारे देश में बीमारी खत्म हो सकती है, क्योंकि आज के समय में गरीब लोगों की बीमारी के इलाज करने में बहुत कठिनाई होती है। इसे देखते हुए संस्था निशुल्क दवा हर घर पहुंचाना संस्था के अहम भूमिका निभा रही है। हम सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी से आए हुए हैं और आज बोकारो जिला के तहत जरीडी प्रखंड के अंतर्गत अरौली पंचायत के जगासुर गांव में हमारे मित्र झाबू महतो का पुत्री का शादी है और उनके शादी में हमारे संस्था की ओर से 5,000 रुपये का अनुदान राशि आया हो के उनके माता पिता के हाथों सुपुर्द कर रहा हूं। और मैं यहां के तमाम महिलाओं से, पुरुषों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे संस्था का मेम्बरशिप लीजिए और इस तरह हमें अनुदान देने का मौका दीजिए। हमारी संस्था हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और अभी फिलहाल हम तो यहाँ बहुत सारा ट्रेनिंग भी कराए हैं महिला लोगों को, आप लोग का गांव में, और बहुत सारी सुविधाएं मिली है। और अभी हमारे संस्था की ओर से स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, इस तरह का पैसा नहीं लग रहा है। हमारा स्टाफ आप लोग का गाँव आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे, गोल्ड कार्ड बनाएंगे। तो आप लोग से मेरा ही उम्मीद है कि आप लोग इस संस्था से उचित लाभ लीजिए। धन्यवाद।